नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। इस डिजिटल क्लास में हम रणथंबोर के प्रसिद्ध शासक हमीर देव का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। उसकी सफलताओं असफलताओं का विश्लेषण करेंगे। ये शाकंभरी शाखा के चौहानों में हमीर देव का स्थान पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के बाद आता है। यह भी सत्य है कि उसकी पराजय के साथ ही शाकंभरी चौहान राजपूतों के शौर्य का युग समाप्त हो गया। इस वंश का भाग्यसूर सदा के लिए अस्त हो गया, परंतु हमीर ने पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के परिणाम स्वरूप सपाद लक्ष्य के चौहानों की सूरता के वीरता के सूर्य के आगे जो अंधेरा या कालिमा आ गई थी उसका उसने उच्छेदन कर अपना नाम उन वीर राजपूतों की श्रेणी में लिखवाया जिन्होंने अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण नाशवर कर दिए थे। हमीर भी राजस्थान के उन वीरों में से एक था जिनकी वीरता व त्याग की भावना के आधार पर वह आज भी रणथंबोर क्षेत्र वीरों के क्षेत्र के रूप में रणथंबोर दुर्ग आज भी अपनी गवाही दे रहा है। मरकर भी अमर रहने वाले हमीर देव का मूल्यांकन कुछ बिंदुओं के आधार पर आपको बहुत सरल ढंग से समझाया जा सकता है, तो हम इसी प्रकार प्रयास करेंगे। हमीर देव जो है उच्चकूट का सेनानायक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमीर देव उच्चकूट का सेनानायक था। उसकी रणकुशलता व योग्य नेतृत्व का जहाँ तक प्रश्न है, सभी इतिहासकार हमीर देव को शूरवीर पराक्रमी व अदम्य उत्साही सेनानायक स्वीकार करते हैं। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शत्रु से मुकाबला करने में पीछे नहीं हटता था। उसमें वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। वीरता के साथ साथ उसमें रणकुशलता भी थी। अलाउद्दीन के भयंकर एवं विशाल आक्रमण को विफल बनाने के लिए भी उसने सेना का संगठन व अन्य सामरिक तैयारियां उचित रूप से की हुई थीं। परंतु वह उसके विश्वासघाती मंत्री व सेनापतियों का विश्वासघात था जिसने कि पराजय को उसके समीप ला दिया। वह सच्चे अर्थों में एक क्षत्रिय था जिसने अपना जीवन धर्म व देश की रक्षार्थ समर्पित कर दिया था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह कि हमीर देव साहित्य प्रेमी के रूप में तथा हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में भी उल्लेखनीय है। यदि हम शाकंभरी चौहानों के उदय पर दृष्टिपात करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि इस वंश के राजाओं ने तो हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया ही था। इस वंश के प्रत्येक प्रतापी नरेश ने तुर्कों से कड़ा प्रतिरोध किया और अपने धर्म की रक्षार्थ लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान किया। हिंदू धर्म को विकसित एवं पल्लवित करने की दृष्टि से भी उन्होंने विभिन्न देवालय निर्मित करवाए थे। हमीर भी इस गुण से पूरित था। हिंदू धर्म में उसकी पूर्ण आस्था थी और उसकी रक्षा में ही उसने अपने प्राणों की आहुति दी थी। धर्म के साथ साथ उसे साहित्य से भी बड़ा अनुराग था। अपने पूर्वजों की भांति वह भी विद्वानों एवं कवियों को अपने दरबार में सदैव स्थान व संरक्षण देने को उत्साहित रहता था। विख्यात कवि बीजा दिव्य उसके दरबार का अलंकरण था। राघोदेव उसका पूज्य गुरु था। जैन मुनि न्यायचंद सूरी ने लिखा है कि हमीर ब्राह्मणों का आदर करता था तथा भारतीय दर्शन विद्यालयों तथा जैन विद्यालयों का संरक्षक था। उसके शासनकाल में अनेक साहित्यिक रचनाओं का सृजन हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण उसका स्वीकार किया जा सकता है जिसकी चर्चा होनी चाहिए वो ये थी कि शरणागतों की रक्षा करना। अतिथियों के सत्कार के साथ साथ भारतीय संस्कृति में घर पर आए हुए
व्यक्ति का स्वागत करने की जो परंपरा है उसको हमीरदेव ने निर्वाह किया। असरण की को शरण देना उसने अपना पुनीत कर्तव्य माना। रात्रि में शरण में आए मोहम्मद साहब और उसके मंगोल साथियों को शरण दे उसने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह किया। अब यह दूसरी बात है कि उनको शरण देना अलाउद्दीन से शत्रुता का एक कारण बन गया। हालांकि इस कारण शाकंभरी चौहानों का युग समाप्त हो गया, पर हमीर का इतिहास में नाम भी अमिट इसी घटना से हुआ है। अपना राज्य व प्राण पर दांव लगाकर भी उसने अपनी शरण में आए हुए अतिथियों की रक्षा की। इसीलिए तो एक कहावत प्रसिद्ध है, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। डॉक्टर दशरथ शर्मा उसके इन विचारों का समर्थन करते हैं। चौथा जो उसके मूल्यांकन में एक मैं बिंदु चर्चा करना चाहूँगा वो हमीर एक कूटनीतिक के रूप में कहाँ तक सफल था इसकी बात करूँगा। अधिकांश इतिहासकारों ने लिखा है कि हमीर ने मोहम्मद शाह व उसके साथियों को अपने यहाँ शरण देकर भारी भूल की, परंतु देखा जाए तो उसने यह मंगोलों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया था। मंगोल लोग वीर व अच्छे योद्धा होते थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों को भी बहुत परेशान किया था। कुछ मंगोल अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत में बस गए थे और वे नवीन मुसलमान कहलाए थे। अतः हमीर ने उनको शरण देकर मुस्लिम शक्ति का विभाजन करना चाहा था। इन मंगोल शरणार्थियों ने राजपूतों से भी अधिक वीरता तथा स्वामी भक्त का परिचय दिया था। युद्ध में उनके द्वारा प्रदर्शित वीरता उल्लेखनीय थी। मोहम्मद शाह के अंतिम वीरता के वचन सुनकर अलाउद्दीन स्तब्ध रह गया था और उसने शत्रुता के विचारों को त्याग कर उसका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक संपादित करवाया। यह हमीर महाकाव्य के श्लोक 13 सर्ग 13 में श्लोक संख्या 71 से 85 तक वर्णन है। अब इसके बाद जो दूसरी दृष्टि अगर विचार करें तो हमीर में कुछ दुर्बलताएं भी थीं और हमें उसके चरित्र का मूल्यांकन करते समय ध्यान रखना चाहिए। अधिकांश इतिहासकारों व साहित्यकारों ने भारी प्रशंसा की है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने उसके व्यक्तित्व या चरित्र में कुछ कमजोरियां भी ढूंढ निकाली हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि हमीर ने अपने अंतिम समय में जनता पर असहनीय कर लगा दिए थे। जनता उसके भार से दब गई थी, अतः वह अमानवीय शासक हो गया था। परंतु उसकी इस निर्बलता के साथ हमें तत्कालीन परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक का सामना करने के लिए यथोचित सामरिक तैयारियां करने के लिए वह कर लगाने के लिए बाध्य हुआ होगा। इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा आगे लिखते हैं कि यदि उसमें कोई दोष भी थे तो वे उसके वीरोचित युद्ध, वंश की प्रतिष्ठा की रक्षा तथा मंगोल शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं। उसकी दूसरी जो गलती या उसकी हठधर्मिता बताई जाती है तो मंगोल शरणार्थियों को न लौटाकर हमीर ने अपनी व्यर्थ की जिद की। यह जिद करके उसने अपनी अदूरदर्शिता का परिचय दिया। डॉक्टर के एस लाल, किशोरी शरण लाल जी की मान्यता है कि कुछ लेखकों ने हमीर की पराजय का कारण उसकी हठबाधिता को माना है, किंतु वह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमीर राजपुताना के उन साहसी सपूतों में से था जो अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने में मर मिट जाना अपना कर्तव्य समझते थे। हमीर अतिशय साहस और शौर्य से लड़ा तथा उसने सूरवीर राजपूत जाति के उच्च रीति रिवाजों को समृद्ध किया जिनसे वह संबंधित था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के मतानुसार उसे आदमी की भी परख नहीं थी। वह आवेश में अवस्था आ जाता था, पर मंत्रियों की व अन्य उच्चाधिकारियों की नियुक्ति के समय वह उनकी स्वामी भक्त की कसौटी पर नहीं कर सकता था। उदाहरणार्थ उसने धर्म सिंह को पुनः मंत्री नियुक्त किया जिसने अमानुषिक तरीकों से धन वसूल कर उसे
जन साधारण में बदनाम कर दिया। रतिपाल को सुल्तान के पास संधि करने भेजा, जो सुल्तान से मिल गया और जो दुर्ग के पतन का प्रमुख कारण बन गया। अमीर पर यह भी एक दोषारोपण किया जाता है कि उसने शत्रु की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगाया और विजय में प्राप्त धन को यज्ञ जैसे कार्यों में व्यर्थ खर्च कर दिया। इसी कारण वह अलाउद्दीन का मुकाबला सक्षमता से करने के लिए धनाभाव के कारण यथोचित सामरिक तैयारियां नहीं कर सका। परंतु इन सब कमियों के बावजूद भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि वह अपनी मातृभूमि का सच्चा रक्षक था और इन्हीं की रक्षार्थ वह वीरगत को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमीरदेव राजपूत के राजस्थान के राजपूत शासकों में एक उल्लेखनीय शासक है और उसकी जो रणथंभौर दुर्ग अब तक उसकी सफलता का एक साक्ष्य है, जो उसकी विजय और उसके स्वाभिमान का प्रतीक हमें दिखाई पड़ता है। धन्यवाद। यदि हमीरदेव के संदर्भ में कोई जानकारी या जिज्ञासा आपके मन में हो तो अवश्य हमें फ़ोन करें, व्हाट्सएप भेजें अथवा कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट अवश्य लिखें, ताकि हमीर के बारे में यदि आप कुछ और जानना चाहते हो जानकारी दी जा सके। धन्यवाद।